ये लोग जरूर नंगे होने चाहिए आ जिन्होंने पंजाब के खजाने लुटिया पंजाब के लोगों के दसा नुआ की कमाई नू मतलब जोड़ा आ वो इन्होंने सियासी ताकत का नजायज इस्तेमाल करके लुटिया। विजिलेंस विभाग वालों रिश्वत देने के दे मामले में विजिलेंस वालों सुंदर शाम अरोड़ा की गिरफ्तारी तो बाद पंजाब की सियासत एक बार फिर गरमा गई है जिस कारण कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने भाजपा से कई सवाल खड़े किए ने जिसते उन्होंने प्रतिक्रम दिंदिया कहा है कि जो भी पंजाब का पैसा खावेगा या गलत काम करेगा उस नाल भी उही होवेगा जो गलत काम करेगा जदों वह गैर कानूनी काम करेगा तो उसते कानूनी सजा जरूर होगी जो कि सुंदर शाम अरोड़ा से कानूनी कार्रवाई हुई है और गलत किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पठानकोट तो मुकेश सैनी की रिपोर्ट अजीत वैब टीवी। बहुत मंदभागी गल है जी, बहुत अफसोस वाली गल है। सियासी लोगों के उत्ते भरोसा करके आम लोग उन्होंने वोटा पाते हैं, उन्होंने पिंड तो लैके पार्लीमेंट तक चुनते हैं तो चुने जाने वाले की एक संविधानिक कानूनी ड्यूटी बनती है भी वो लोगों के प्रति जवाबदेह रहन। पर अफसोस की गल है भी लंबा समा पंजाब के अंदर रवायती पार्टियां ने जो राज किया तो उस राज की आड़ थले उस राज की ताकत के नजायज फायदे उठा के बहुत सारे लोगों ने सियासी लोगों ने वड्डियां ठगियां मारिया ने और शाम सुंदर अरोड़ा जी जिहड़े पहलों कांग्रेस सन ते अजकल भाजपा ने अपनी जिहड़ी आ मशीन च धो के उन्होंने साफ सुथरा करके अपने को खड़िया और एक किरदार उन्हां लोकां दा मतलब जिहड़ा लोकां दे सामने नंगा हो रहा। सो मैं कह सकदा भी बदकिस्मती आ ये लोग जरूर नंगे होने चाहिए आ जिन्होंने पंजाब के खजाने नूं लुटिया पंजाब के लोगों के दसा नुआ की कमाई नूं मतलब जिहड़ा आ वो इन्होंने सियासी ताकत का नजायज इस्तेमाल करके लुटिया। सो उन्हां नूं विजिलेंस ने फड़िया और 50 लाख रुपया रिश्वत मेरे हिसाब नाल जो मैं सुनिया कि उन्होंने ऑफर की आ जां देण दी कोशिश की आ ये उस वेले आ जदों लोग मतलब रुजगार लई तड़फ रहे आ जदों लोग पंजाब दे अंदर अपने जीवन पत्र दीआं लोड़ां तों ओखे आ ते इन्हां लोकां दे कोल एडियां वड्डियां रकमां ने जिहदे विच्चों 50-50 लख रुपये रिश्वत दिंदे आ ये दसां नौ दी किरत नहीं है ये लोगों की लुटी हुई कमाई के पैसे दे विच्चों ये सारा मैं समझदा भी एक बड़ा गैर कानूनी भी आ गैर मर्यादित भी आ गैर समाजिक भी आ। सो लाजमी तौर पर उन्होंने गिरफ़्तार किया गया कानून अपना काम कर रहे हैं और मैं आस उम्मीद करना भी यहोजे लोगों को बहुत जल्दी तो सख्त सजावं मिलनिया चाहिए।